को सता रहा है मौत का डर। क्या सलमान बदलना चाहते हैं अपना ठिकाना? दिलजीत दोसांझ को मिल रहा है ऑडियंस से भरपूर प्यार, तो सेलेब्स ने भी दिया दिलजीत का साथ। फिर क्या खास है आज दिन भर, आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। हे गाइस, मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं पजुका रिव्यूज। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है। बिल जहां कल से ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग होने के बाद से सलमान खान को लेकर तरह तरह की खबरें थी, तो वहीं पहली फोटो दोनों युवकों की सामने आई है जिन्होंने फायरिंग की थी। बिल भले ही लॉरेंस के भाई अनमोल ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, लेकिन अब जब फोटो सामने आई है तो लोग इसे देख कर काफी हैरान है। बिल आप भी नजर डालिए इस फोटो पर। जी हाँ, सलमान खान को लेकर जहाँ एक न्यूज सामने आई थी कि उनके घर के बाहर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब सलमान खान को जान से मारने की कोशिश की गई हो। आए दिन सलमान खान को जान से मारने की धमकियां भी आती रहती हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि भाई ये खबर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट से जुड़ी है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है कि सलमान खान अपने घर का ठिकाना बदलना चाहते हैं, यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। अब ऐसी खबरें सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं सलमान खान के अंदर भी अब इस समय मौत का डर सता रहा है। बिला भी इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में सामने आएगा, लेकिन इससे जुड़ा कोई भी स्टेटमेंट अब तक सलमान खान ने या उनके फैमिली मेंबर्स ने नहीं दिया है। बिल क्या खास है दिन भर के इस लिस्ट में, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे प्यारे दिलजीत दोसांझ। जहां अपने रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म चमकीला को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने ये तो साबित कर ही दिया है कि वो एक अच्छे सिंगर नहीं बल्कि एक अच्छे एक्टर भी हैं। अब दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है, जिसमें नुपुर सैनन और वरुण धवन ठुमके लगाते हुए और गाते हुए गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कॉन्सर्ट में सिर्फ ये दोनों नहीं बल्कि मुनव्वर फारूकी भी पहुंचे थे और बॉलीवुड सेलेब्स का भरपूर साथ मिल रहा है दिलजीत दोसांझ को। इतना ही नहीं, दिलजीत दोसांझ के फिल्म चमकीला को भी सेलिब्रिटीज काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हैं। वेल, एक नजर हमारे बॉक्स ऑफिस की तरफ। बड़े मियां छोटे मियां और मैदान फिल्म को लेकर जहां काफी क्लैशेस देखने को मिले थे, मैदान की इनकम भले ही रफ्तार स्लो दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 350 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां भी बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल नहीं दिखा पाएगी। वेल, एक तरफ जहां इस फिल्म का बजट ही 350 करोड़ है, तो वही 4 दिन में अब तक 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई है बड़े मियां छोटे मियां। तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है इस फिल्म का 70 करोड़। फिर बात करें मैदान फिल्म की, तो मैदान ने ऑल ओवर इंडिया में 22 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुई है इसकी 32 करोड़ रुपए। फिर अगर हम इन दोनों फिल्मों को एक साथ कंपेयर करें, तो भले ही इस रेस में हमें मैदान पीछे और BMCM आगे नजर आ रही है, लेकिन अगर आप BMCM को कंपेयर करेंगे उसके बजट के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तो कम ही नजर आ रहा है। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इन दोनों फिल्मों में से कौन मेकर्स के एक्सपेक्टेशन तक पहुंच पाता है और कौन ऑडियंस के दिलों पर राज कर पाता है। ये पूरी रिपोर्ट जानने के बाद क्या लगता है आपको, क्या सचमुच सलमान खान अपना ठिकाना बदल सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए, अनन फैक्ट्स के लिए देखते रहें पजुकारी विशाल को। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।